के पलक्कड़ में आरएसएस की बैठक का आज है दूसरा दिन। आज की बैठक में बीजेपी और सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन पर रणनीति बनेगी, साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति, विस्थापन और पुनर्वास पर भी चर्चा होगी। बैठक में जातीय जनगणना और इसके अलावा हिंदू समाज पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी चिंतन हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बैठक के पहले दिन कुल 4 सत्रों में बातचीत हुई। दावा यह किया गया कि सबसे पहले वायनाड त्रासदी पर जो स्वयंसेवकों ने काम किया सेवा और राहत का, उस पर रिपोर्ट पेश की गई। इसके बाद संघ और उसके जो बाकी संगठन हैं उनको संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही साथ तीसरा राष्ट्रीय मुद्दों के विषय पर चर्चा हुई, जिसमें पश्चिम बंगाल में मौजूदा हालात, खासकर बंगाल में चुनाव के बाद हिंदुओं के ऊपर हमला, महिला डॉक्टर के रेप हत्या के मामले में चर्चा की गई। और चौथा हुआ पंजाब को लेकर चर्चा। हमारे साथ हमारे सहयोगी यतेंद्र लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, कल का दिन भी अहम रहा, आज कौन कौन से मुद्दों पर बातचीत हो सकती है और सबसे महत्वपूर्ण बंगाल का मुद्दा है, क्योंकि हमने देखा है आरएसएस हमेशा ऐसे मुद्दों में बड़ा एक्टिव रहा है। देखिए, बिल्कुल, आज संघ की जो समन्वय बैठक है आज उसका दूसरा दिन है, अहम दिन है, क्योंकि आज कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन और पहले से ज़्यादा अच्छा हो संघ परिवार, बीजेपी और मोदी सरकार के बीच में, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। जहाँ तक आज जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जिसमें खासकर बांग्लादेश का मुद्दा बड़ा है, उस पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों का दावा है कि बांग्लादेश में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ और उसके बाद जो हिंदुओं के ऊपर वहाँ पर अत्याचार किए गए, उनके मंदिर तोड़े गए, स्कूल तोड़े गए और इसके अलावा व्यापारिक प्रतिष्ठान तोड़े गए, उन सब के ऊपर आज एक विस्तृत चर्चा की जा सकती है। उसका जो पलायन वहाँ से मजबूरी में धर्म को लेकर हो रहा है, धर्म की वजह से उन पर जो हमले हो रहे हैं, उस पर चर्चा की जा सकती है। उसके साथ साथ सरकार उसमें किस तरह से सहयोग कर सकती है या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उसमें कैसे सहयोग कर सकती है, एक पूरा विस्तृत रिपोर्ट उस पर पेश होगी, उस पर चर्चा की जाएगी और जो भी समाधान निकलेगा पूरा संघ परिवार उस दिशा में आगे बढ़ेगा और सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि वो इसमें हेल्प करें। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो हिंसा में कमी आई है और जिस तरह से सुरक्षा बल काम कर रहे हैं और उसके बाद विकास कार्य तेजी से उन इलाकों में हो, उसको लेकर बनवासी कल्याण आश्रम है या संघ के दूसरे अन्य संगठन है जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, उन वो अपने कामों में तेजी लाएं और सरकार की योजनाओं के साथ उनका कोऑर्डिनेशन बेहतर तरीके से हो सके, इस पर बातचीत होगी। इसके अलावा खालिस्तानी मूवमेंट पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि काफी दिनों से खालिस्तानी आतंकियों की गतिविधियां बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में संघ और सरकार और संगठन मिलकर किस तरह से काम कर सकता है, इन सभी विषयों पर बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि बीजेपी संगठन के चुनाव होने वाले हैं, सदस्यता अभियान कल से शुरू हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले सदस्यता ग्रहण करेंगे, उसके बाद संगठनात्मक चुनाव का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा, तो उसमें क्या क्या बदलाव हो सकता है, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, पूरी नई कार्यकारिणी बनेगी, प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव होगा, तो उस पर भी आज बातचीत हो सकती है। जी यतेंद्र, बड़े नजदीक से आपने संघ को देखा है और बड़े लंबे समय से संघ को कवर कर रहे हैं, ये पहली बार कोई चुनाव था जिसमें संघ और हमने बीजेपी को अलग अलग थोड़ा सा देखा था, कितना समन्वय बैठा है इस पूरे चर्चा के बाद में, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये अगर आप विस्तार से बता पाए कि समन्वय बन रहा है आने वाले समय में 2-3 महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं। देखिए, बिल्कुल, समन्वय को लेकर ये बैठक है, समन्वय पहले से ही रहा है, हालांकि कुछ जो अटकलें लगाई जा रही थी कि पिछले लोकसभा चुनाव में संघ और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं था, तो उसको लेकर अब जो संघ की बैठक, समन्वय बैठक बुलाई गई है, उसमें संघ के सभी 32 संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद हैं, पूरा संघ का अखिल भारतीय कार्यकारिणी जो होती है वो इसमें मौजूद है और खुद बीजेपी की तरफ से भी 5 लोग इसमें मौजूद है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष हैं, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश हैं, इसके अलावा संगठक वी सतीश और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं और अलग अलग, ऐसा नहीं कि सामूहिक तौर पर चर्चा होगी, अलग अलग जो सूत्रों का दावा है, अलग अलग समूह बनाकर अलग अलग संगठनों के 3-3, 4-4 संगठनों के लोगों के साथ इन सबकी बातचीत होगी, उनकी क्या अपेक्षा है और बीजेपी या सरकार के लोग उसमें कितना सहयोग उस तालमेल को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, तो पूरा एक रोड मैप तैयार होगा और 3 दिन तक, यानी कल तक ये बैठक चलेगी और जो रोड मैप निकल कर आएगा, चाहे जो आप बात कर रहे हैं आगामी विधानसभा चुनावों की, तो उसमें वो बेहतर तालमेल दिखाई भी देगा उसमें। हाँ। और शायद यही कारण है कि आपने ध्यान दिया होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही घोषणा हुई थी जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर, उसमें पहले चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को बनाया गया, लेकिन जब दूसरी लिस्ट आई तो उसमें राम माधव को भी जगह दी गई, जो संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं, अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो
भी चुनाव प्रचार यानी कि चुनाव प्रभारी जम्मू कश्मीर के रहेंगे, तो इससे समझा जा सकता है कि संघ और बीजेपी उस पटरी पर जो अटकलें लगाई जाती है उनको उनको खारिज करते हुए अब उस बेहतर तालमेल यानी कि जो कोऑर्डिनेशन बेस्ट हो सकता है उस रोड मैप पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल चलते हैं, ये हमने देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया यतीन्द्र आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस की समन्वय बैठक में आज दूसरे दिन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है वो आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति, विस्थापन पुनर्वास पर चर्चा हो सकती है, ये बड़ा अहम मुद्दा है। महिलाओं पर जो क्रूरता बढ़ती है और उस पर हिंसा पर चिंतन हो सकता है। जातीय जनगणना और इसके हिंदू समाज पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंतन हो सकता है। जातीय जनगणना आप समझिए कि सीधे बिहार से जुड़ता है। लोकसभा चुनाव में छिटके दलित वोटरों की वापसी कैसे हो इस पर भी चिंतन हो सकता है। साथ ही आने वाले समय में विधानसभा चुनावों में बेहतर तालमेल कैसे हो आरएसएस और बीजेपी के बीच में इस पर भी चिंतन हो सकता है।